सबसे हॉट एंड सक्सेस जोड़ी यानी दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह क्या अब अलग होने वाले हैं? क्या अब उन्होंने अलग होने का फैसला ले लिया है? आज ये सारे सवाल बॉलीवुड के गॉसिप गलियारों में खूब घूम रहे हैं। दरअसल बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की जोड़ी फैंस के बीच बवाल मचाकर तो वैसे ही रखती है, लेकिन इस बीच कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिनसे फैंस काफी ज्यादा नाराज हो रहे हैं और कुछ लोग अफसोस भी जता रहे हैं। दरअसल दोनों जो कपल गोल्स देते हैं वो अद्भुत ही नजर आते हैं, अलग ही जोन होता है। सोशल मीडिया पर दोनों के प्यार के किस्से लोग बड़े ही चाव से पढ़ना भी पसंद करते हैं। हाल ही में दीपिका पादुकोण की तबीयत भी खराब हुई थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट भी हुई थी। उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती किया गया था, हालांकि बाद में उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया और अब वो पूरी तरह से ठीक भी हैं। इसी बीच ट्विटर यूजर उमेर संधू ने ब्रेकिंग खबर बताते हुए लिखा कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, जिसके बाद एक्ट्रेस की तबीयत खराब हो गई। यानी ये जो तबीयत खराब होने वाला मामला था उसको संधू ने इस पूरे मामले से जोड़ दिया कि कुछ तो अंदर खिचड़ी पक रही है, कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसके बाद दीपिका पादुकोण की तबीयत खराब हो गई और उन्हें स्ट्रेस हो गया, बेचैनी हो गई। लेकिन अब जो चीजें निकल कर सामने आ रही हैं, यानी जो फैंस रिएक्ट कर रहे हैं, वो कुछ अलग ही है। पहले आपको बताते हैं कि उमेर संधू जो खुद को क्रिटिक बताते हैं, उन्होंने लिखा कि ब्रेकिंग, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, बस फिर क्या था। इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर अफवाहें चलने लगी कि दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि जो अलग होने की नौबत आ गई। जहां एक तरफ लोग इनके प्यार के किस्से पढ़ते थे, अचानक शादी के 4 साल बाद ही अलग होने की बातें सामने आने लगी। रणवीर और दीपिका दोनों के ही फैंस के लिए बहुत बड़ा झटका था। फैंस हैरान थे कि आखिर ऐसी खबरें उड़ कैसे सकती हैं, जब दोनों ही साथ में बेहद खुश नजर आते हैं। आखिर उमेर संधू ने इस तरह की खबर को ब्रेक करने का जिम्मा उठाया भी तो कैसे उठाया, ये बात सभी के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग थी। उधर उमेर संधू का एक ट्वीट जब से रणवीर और दीपिका के फैंस के बीच वायरल हुआ तो खरी खरी उनको सुनाने लग गए। एक यूजर ने उमेर को लिखा कि तुम्हारी कटरीना कैफ की प्रेगनेंसी वाली खबर भी झूठी थी ना, मुझे तुम्हारी इस न्यूज को लेकर भी डाउट हो रहा है। एक और यूजर ने तो उमेर संधू को फेक बता दिया। तीसरे यूजर ने लिखा कि इन दोनों के बीच कुछ भी गलत नहीं हो सकता, ये दोनों एक दूसरे को डिजर्व करते हैं। जिस तरह से दोनों अवार्ड फंक्शन में और पार्टी में स्पॉट होते हैं, उन्हें देख कर केवल कपल गोल्स ही हमें नजर आते हैं। हालांकि दीपिका और रणवीर की ओर से इस पूरे खबर पर किसी भी तरीके का कोई भी कमेंट सामने नहीं आया है, ना ही दोनों में से किसी ने कोई पोस्ट शेयर की है जहां इस बात का जिक्र किया गया हो। बल्कि रणवीर सिंह एक इवेंट का हिस्सा बने थे जहां उन्होंने दीपिका पादुकोण संग अपनी बॉन्डिंग को लेकर बात की। रणवीर सिंह ने FICCI फेमस फास्ट ट्रैक 2022 में कहा कि मेरे अंदर दीपिका के लिए केवल इज्जत है, मैं उन्हें बहुत एडमायर करता हूँ, मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में दीपिका से बहुत कुछ सीखा है, आप सभी के लिए एक बड़ा सरप्राइज भी है, जल्द ही हम दोनों को एक साथ फिर से पर्दे पर देखेंगे, दीपिका एक ऐसी चीज है मेरे साथ जो अब तक की बेस्ट चीज मुझे लाइफ में मिली है, मैंने अपनी लाइफ को लेकर काफी ग्रेटफुल महसूस करता हूँ, टच वुड हम मिले और साल 2012 में हमने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया, तो साल 2022 में हम दोनों के 10 साल पूरे हो गए और ये मेरा और दीपिका का साल होने वाला है। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की जोड़ी को रियल लाइफ में भी हिट माना जाता है। दोनों ने संजय लीला भंसाली की 3 फिल्में की हैं, तीनों ही सुपर डुपर हिट रही हैं। इनमें से गोलियों की रासलीला, रामलीला, बाजीराव मस्तानी और पद्मावत शामिल है। इसी साल दोनों की फिल्म 83 भी रिलीज हुई थी, जिससे दर्शकों का प्यार भी खूब मिला। सुपर हिट जोड़ी होने के साथ साथ दोनों ने मिलकर बॉलीवुड को कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, तो आपको ऐसी अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है जिसमें आपके फेवरेट कपल को अलग करने की बात हो रही हो। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है और दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की बॉन्डिंग पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं थी आपके साथ सायम और आप देख रहे थे बॉलीवुड ब्रेक।